लता मंगेशकर के निधन को अभी जुमा जुमा 5 दिन भी नहीं हुए, लेकिन उनके नाम पर गंदी हरकतें होना शुरू हो गई हैं। इन सब हरकतों को देखकर अब लता दीदी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर इतना भड़क गए हैं कि उन्हें अपनी तरफ से एक बयान भी जारी करना पड़ा है। दरअसल 6 फरवरी को जिस शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया, उसी पार्क में उनका एक मेमोरियल बनाने की मांग की गई थी। ये मांग बीजेपी की तरफ से हुई थी, लेकिन इस मांग को शिवसेना की तरफ से ठुकरा दिया गया। 28 एकड़ में फैले इस पार्क में बाला साहेब ठाकरे हर साल विजयदशमी के मौके पर रैली किया करते थे। बाल ठाकरे के बाद मौजूदा शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस परंपरा को बना रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी पार्टी मनसे और कांग्रेस भी इस पार्क में लता मंगेशकर का मेमोरियल बनाने के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। सभी पार्टियों में इसे लेकर इतनी तूतू मैमे हो गई कि लता मंगेशकर के परिवार को इस लड़ाई में कूदना पड़ा। इससे परेशान होकर लता दीदी के भाई हृदयनाथ ने एक बयान जारी कर कहा, लोगों को शिवाजी पार्क में लता दीदी के स्मारक के मुद्दे पर राजनीति बंद कर देनी चाहिए। स्मारक की मांग हमारे परिवार की तरफ से नहीं की गई है और ना ही हम ऐसा कुछ चाहते हैं। वैसे इस पार्क में बाला साहब स्मृति स्थल बनाया गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर के सम्मान में मुंबई के कलीना में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक संगीत एकेडमी बनाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर लता मंगेशकर के भाई ने भी सहमति जताते हुए कहा है कि दीदी के नाम पर संगीत एकेडमी बनाना उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।